जरा किसका हैंडसेट था भाई जरा चुपते क्या तुम ठीक है चलो भाई जरा ले लेना भाई हैंडसेट आपका ठीक है। अरे दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि सीपीयू को स्क्रैच करके कैसे उसमें से सप्लाई निकाल के हमने एक वीवो का Y15 हैंडसेट है जिसमें टच का इश्यू था और ये लाइव क्लास के अंदर रिपेयर किए हैं सीपीयू स्क्रैच करके। और ये जो हैंडसेट है हमारे स्टूडेंट्स का ही हैंडसेट है। जैसे कि फ्रेंड्स मेरा नाम फिरोज और आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के नीचे सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। इससे हमारा जो भी नया वीडियो लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट बैच हमारा 27 नवंबर से है, बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, जल्दी आज ही कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल ले लीजिए और अपनी सीट नवंबर बैच में रिजर्व कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ओनली 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 50-50, 60-60 बच्चों को बिठा के हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ नया कुछ समथिंग डिफरेंट देखने वाले हैं आप, क्योंकि अभी तक जब भी सप्लाई ब्रेक होती है, जब भी ट्रैक ब्रेक होती है तो हम सीपीयू वगैरह रिवॉल्व कर लेते हैं या कोई सीरीज कॉम्पोनेंट को चेक कर लेते हैं या सीपीयू के नीचे से जम्पर निकाल करके हम हमारे कनेक्टर तक हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ऐसा कुछ नहीं करके देख सकते हैं लाइव क्लास चल रही है, इसके अंदर लाइव हमने रिपेयर करके बताया स्टूडेंट को सीपीयू को ऊपर से स्क्रैच करके एक INT सप्लाई को यहां से हमने जंपर करके कनेक्टर तक लेके आया, क्योंकि INT की लाइन यहां पे मिसिंग थी। तो इसको हम अभी लाइव करके आपको बताएंगे, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ये हमारी तरफ से सोल्यूशन है सारे हमारे टेक्निशियन भाइयों के लिए, तो फोन फिक्स को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा जरूर एक टेक्नीशियन भाई तक इस वीडियो को जरूर भेजे ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ सीखे। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, डिटेल में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी अपने पास मॉडल है वीवो का V15 का मॉडल है, इसके अंदर जो इश्यू है टच नॉट वर्किंग, ठीक है। तो अच्छा ये बताना भाई किसका मोबाइल है ये एक बार, कौन है तुम्हारा है, ठीक है। तो डेली जो बन रहे हैं फोन, तुम्हारा ही फोन बन रहे हैं जी सर, आप जो लाए घर से लाए या इधर से भी कस्टमर का लाए कुछ लाए वही फोन बना रहे जी सर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर क्या इश्यू है, टच का इश्यू है। कल भी अपन बनाए थे, क्या प्रॉब्लम का फोन बनाए थे कल अपन, ग्राफिक का रिलेटेड, ठीक है। कितने फोन, दो फोन बनाए थे अपन, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखेंगे टच के अंदर प्रॉब्लम तो मालूम है अपने को, कहां से लाइन मिस है क्या है देखेंगे इसके अंदर, कहां लाइन चेक करेंगे, चेक करके अपने को जो इसका वीडियो बनाएंगे अच्छा सा, ठीक है। तो यहां स्टार्ट करेंगे, इसको मैं बॉल को पहले आउट कर दे रहा हूं, तो यहां चेक करेंगे स्टॉक। यहां देखेंगे जो टच के अंदर, तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम तो अवेलेबल नहीं है, क्या है अपना हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां देखेंगे जो कनेक्टर के ऊपर यहां अपने को जो फोर्थ नंबर से आ रहा है अपने को कौन सा लाइन आ रहा है VIO, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे चार नंबर के ऊपर चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। फोर नंबर पे चेक करेंगे, मीटर पे एक बार ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो चार नंबर पे चेक करेंगे कितना GR आ रहा भाई, 350 का GR मिल रहा है अपने को, ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट तो NCA, उसका बगल वाला पॉइंट पे देखेंगे ये वाला लाइन जो है INT, ठीक है। INT पे अपने क्या आ रहा है, OL आ रहा है, ठीक है। INT का लाइन में यहाँ अपने को एक रजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ से लेके, ठीक है, क्या कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपने को लाइन ओके है, और इसके ऊपर कोई भी टाइप ऑफ वैल्यू शो नहीं कर रहा है, जस्ट क्या शो कर रहा है अपने को, OL शो कर रहा है। मतलब ये वाला लाइन क्या हो गया अपना मिस हो गया, क्या हो गया मिस हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ से लेके 590 का रीडिंग जो बता रहा है, यहाँ बगल में देखेंगे ये 590 का रीडिंग बता रहा है, इसके बाद में देखेंगे 590 का रीडिंग बता रहा है, इसके बगल में देखेंगे 590 का। ये सब जो चार लाइन है आपको
मोसी मिसो का लाइन है और सी एस का लाइन है और क्लाक का लाइन है, चारों पे भी अपने जी आर के, और सिर्फ कटा हुआ है तो यहाँ देखेंगे इसका ये रजिस्टर का जो बैक तरफ की लाइन है ये VAO से यहाँ से VAO 1.8 का लाइन इसके ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका पीछे के तरफ देखेंगे यहाँ अपने को कितना रीडिंग आ रहा है, 360 कितना आ रहा है, 360 का रीडिंग आ रहा है। मगर इसका अपोजिट साइड में जो है, जब जैसा अपने को CPU से लाइन जो कनेक्टेड है तो वो वाला लाइन क्या हो गया अपने को इसके अंदर क्या हो गया भाई, ब्रेक हो गया ओपन हो गया। तो करना क्या चीज है इसमें, तो सीपीयू के अंदर से इस ट्रैक को क्या कर देना, अपन जोड़ देना, तो ये लाइन क्या हो जाता अपना ओके हो जाता, जब जाके अपना टच वर्क करना स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ देखेंगे तो अभी इसका लाइन को आप सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके भी काम कर सकते हैं, सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके भी कर सकते हैं। सीपीयू निकालने के बाद क्या करना, इसका लाइन को चेक करना यहाँ से नीचे से, इसका डॉट से लेके उधर तक लाइन ओके है या नहीं है, ठीक है। वहां से ओके है तो जस्ट रिवॉल्व करने में हो जाता, क्या करने में हो जाता, रिवॉल्व करने में हो जाता। या करना है तो सीपीयू को ड्रिल करके भी एक जम्पर लेके आप डाल सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं या नहीं, डाल सकते हैं। चलो भाई देखेंगे अपन क्या करके ड्रिल कर, तो ड्रिल करने के लिए हम ड्रिलर कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट 23 नंबर वाला ब्लेड, ठीक है ना, मार्केट में मिलता तुम्हारे को 5 रुपए के अंदर, ठीक है। तो बहुत इजीली सेफली आप लोग कर सकते हैं, हल्का सा या जस्ट इसको हल्का सा मैं एक लाइन स्क्रैच कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ स्क्रैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ऊपर तक का जितना लेवल तक करना है उतना लेवल तक कर दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसको हल्का से मैं ऐसा
यहाँ से लेके अपना जंपर लिए और यहाँ से लेके आ गया इधर बैक के तरफ और ये आ गया अपना INT का 9। ठीक, अभी चेक करेंगे अपना जो टच वर्क कर रहा या नहीं कर रहा। दिखता ना फोन आने वाली बात बात है। अभी अपना फोन पूरा तरीके से ऑन हो गया और यहाँ चेक करेंगे इमरजेंसी के अंदर आ गया यहाँ टच का जो 1 2 3 4 5 6 सारा चीज। ठीक है, एक बार देख लो सारा चीज टोटली वर्क करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, कैसा लग रहा भाई क्लास अपना? ठीक है, जो प्रैक्टिकल का क्लास कैसा लग रहा? जो भी है लाइव रिपेयर कर रहे हैं अपन। ठीक है, जरा किसका हैंडसेट था भाई जरा? चुपते क्या तुम? ठीक है, चलो भाई जरा ले लेना भाई हैंडसेट आपका। ठीक है, अरे